नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। जीविका दीदी को 1 करोड़ का चेक प्रदान करते हसनगंज केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आम जनों को सुनिश्चित कराने एवं लोकोपयोगी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हसनगंज प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में जन सुशासन शिविर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व विधान परिषद अशोक कुमार अग्रवाल व डीएम उदयन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे लाल मुर्मू जीविका जी है दो प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने जो आधारभूत जो संरचना थी जो ध्वस्त हो चुका था 2005 के बाद कई कार्यक्रमों के माध्यम से इसको पुनर्स्थापित करने का काम किया है और हमारी सोच ये है कि जो न्याय के साथ जो सुशासन लक्ष्य है बिहार के मुख्यमंत्री जी का और आत्मनिर्भर बिहार के साथ इसके दो और उन लोगों ने इस बार इस सरकार में लागू किया है ये सारी चीज़ें देखने लगी है और भारत के सबसे प्रधानमंत्री ने भी जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के इस अभियान को गति दी है और देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कितनी चिंता करके कई चीज़ों को उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया है। उसी का यह एक वानगी है धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को तो जान ही रहे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार का नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी कर रही है और आपको पता ही है कि ममता जी ने काफ़ी अपने को साफ सुथरा सरकार की छवि आम लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया लेकिन किस प्रकार से उन्होंने और उनके ऊपर करोड़ों करोड़ रुपये का की वसूली की इससे स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो गया कि ममता दीदी की सरकार किस प्रकार से बंगाल के आम आदमी को आम नौजवानों को जो मध्यवर्गीय परिवेश से निकला वह आम नौजवान जिसके मन में सपना था कि हम शिक्षक बनकर पश्चिम बंगाल की सेवा करें किस प्रकार से उसका दोहन किया गया यही ममता बनर्जी के सरकार की असली तस्वीर है कि आज सिर भी झुक जाता है और वो दिन दूर नहीं कि पश्चिम बंगाल कहीं कहीं नरेंद्र मोदी को देख रही है और आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में। थैंक यू।